यहाँ पे जाफराबाद, वेलकम, जॉन बांगर और शाहदरा, ये इन आसपास के एरिया में मिला के करीब 15 से 20 लाख लोग रहते हैं, जिसमें आपके 10 लाख लोग बाहर से आके काम करने वाले कारीगर और लेबर होते हैं। और इनके काम आप देखें तो जीन्स का काम और जैकेटों का काम और आपकी छोटे छोटे पार्ट्स हो गए जैकेटों के या कपड़ों के, कपड़ों की सिलाई और लोहे के छोटे छोटे पार्ट्स हो गए जो बैग में और आपके पर्स वगैरह में लगते हैं या बेल्टों में लगते हैं, मतलब सबके छोटे छोटे काम हैं ये। यहाँ पे सभी घरों में या सब जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, कुछ ना कुछ लोकल अपने कामों से ही कमाते हैं और उसी पे निर्भर करते हैं। लेकिन फिलहाल के टाइम पे ये काम भी ख़त्म होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे 2014 से अगर हम देखें नोटबंदी और GST के बाद से, तो जो काम पहले हुआ करते थे और जो लेबर पहले आया करती थी उसमें और आज के से कंपेयर करें तो वो 30% ही रह गया है। जहाँ पहले करीब 10 लाख लोग यहाँ आया करते थे, आज के टाइम पे मुश्किल से 3 लाख लोग ही यहाँ पे आते हैं और काम करके वो गुजारा कर पाते हैं अपना। अच्छे लोगों ने जब ये स्पीच सुनी उसके बाद लोगों के अंदर ऐसे हड़कंप मच गए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टू ब्रेक द ग्रिप ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी, वी हैव डिसाइडेड दैट द 500 रुपी एंड 1000 रुपी करेंसी नोट्स presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. ये नोटबंदी से नुकसान के अलावा दूसरी बात नहीं है। जब ये नोटबंदी शुरू हुई थी उस टाइम का टीवी देखिए, खबरें देखिए, नए लाइन में लगे हुए हैं गरीब बेचारे, पर रात दिन लाइन में लगे हुए और पुलिस उन पर डंडे बरसा रही है, लेकिन ये मोदी जी को कोई दिखाई नहीं दिया। इसमें मोदी जी का तो कोई नुकसान है नहीं, इसमें आम जनता का है, जमींदारों का है, जो बेचारे किसान हैं उनका नुकसान है, चौकीदार का कोई नुकसान नहीं है। चौकीदार को फायदे के अलावा कोई दूसरी बात है ही नहीं। नोटबंदी का टाइम था ना, वो हमारे भरपूर सीजन का टाइम होता है, कोट पैंट शादियों का टाइम होता है। शादियों के टाइम में हमारा स्टेप पे जब नोटबंदी हुई है उस दिन से हमारा काम बिल्कुल ऐसा बंद हो गया एकदम, उसके बाद से आज तक काम बिल्कुल मंदा ही चला। आप नोटबंदी के दौरान जितने भी कारखाने बंद हुए उसमें कारखाने में काम करने वाले लोग, खुद कारखानदार, खुद फैक्ट्री के मालिक रिक्शा चलाने तक पर मजबूर हो गए। क्यों? कैश नहीं है, पैसे नहीं है लोग, जो पैसा है वो बेकार है, कूड़ा है, रद्दी है। किस लिए? डायरेक्ट नहीं आता, ये मशीनरी देख रहे हैं आप बंद खड़ी है, आज तक की उसी की देन है नोटबंदी की। ट्रेंड यही है, आदमी की हालत बिल्कुल बेकार है, काम नहीं चल रहा। नोटबंदी के बाद में अच्छे दिन तो गायब हो गए, जो दिन पुराने थे ना वही बेहतर थे, ना कोई अच्छा दिन आया कि देश में ऐसा हो, कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय परेशानी के। बेरोजगारी बढ़ी है ना कि इससे कुछ काम बना है, अगर कोई काम बना हो तो वो दिखाओ ना, इसमें तो बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ी है भाई। दुनिया की सबसे बड़ी कदम जैसे नोटबंदी जो है, दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन निकलेगा इसके अंदर, गवर्नर बना नहीं है, पहले नोट साइन होने चले, क्या ये हमारे देश का सिस्टम नहीं है। गवर्नर नहीं बना यहाँ पे, उसके 6 महीने पहले तो कहते हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 6 महीने से तैयारी चल रही थी, जबकि गवर्नर का तो कोई मतलब नहीं था, 6 महीने पहले तो नोट पे साइन कर तो क्या ये नोटबंदी नहीं है, ये लोगों की अपनी सियासत है सिर्फ पैसा अपना वाइट करने की, दूसरे का पैसा खराब करने की। अगर गवर्नर जो चल गवर्नर है वो साइन करेंगे ना तो अच्छा भी रहेगा, जिन गवर्नर का नाम नहीं है उन्होंने साइन करके नोट छाप दिए, क्या चीज है ये? सिर्फ करप्शन है, सिर्फ अपने आदमी को बताने के लिए। भाई देखो ना, भाई तो शायद छोड़ो ना, आप लोग बाग जिस टाइम में नोटबंदी हुई थी लोग परेशान थे, लोगों को खाने के नेता लाइन में लगे हुए थे, और जब बीजेपी नेता की बेटी की शादी होती है उस शादी का खर्चा 600 करोड़ था, ये लोग नहीं बोले कुछ भी, कहाँ से आया वो पैसा, ये लोग कुछ नहीं बोले। जब यहाँ 2000 रुपए के लोग से कहते हैं भाई 2000 रुपए ना कल आना, कोई भूखा मरा आत्महत्या, हमारे तो प्रधानमंत्री सिर्फ हंस के कहते थे जी कोई बात नहीं, ये तो झेलना पड़ेगा, सिर्फ हमें झेलना पड़ेगा, नहीं सिर्फ हमें ही झेलना पड़ेगा। नो, 1000 रुपी नोट वॉज ऑल्सो यूज फॉर ट्रांजेक्शन, सो वी ऑल हैड सम इन आवर टू फंक्शन ऑन अ डेली बेसिस, यस। सो एज अ रिजल्ट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू नो सम पीपल वर सेविंग, सम हाउसवाइफ्स वर सेविंग ऑन दैट बेसिस, सो ऑन।
So you have to replace everything that's used for transactions, because otherwise, if you, people can't do transactions, not everybody can switch to electronic media overnight, it will cause a reduction in economic activity.